झूला बना करके शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया। जिस व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं था वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा, शिक्षा देगा। आ रहे हैं राजकिशोर सिंह के पास, उनके दलाल हैं जो 15 साल लूटे खाए हैं, वही लोग उनको बिता रहे हैं। हमारी शिक्षा ये रीढ़ है हमारे समाज की। हमारे बच्चे अगर अनपढ़ होंगे, अगले साल बच्चे विदेश पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो हम गरीब बच्चे हैं वो ग्रामीण पढ़ते हैं। आम जनता विधायक जी के साथ है और विधायक जी को पूरा विधायक बना रही है। नमस्कार, स्वागत है इंडिया समाचार में। मतदाताओं एवं जनमानस सबकी बार किसे चुनते हैं? जनमानस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनमें से किसकी सरकार बनती है? फैसला जनमानस के हाथ में है। धर्मेंद्र कुमार सिंह, नीरज श्रीवास्तव के साथ अयोध्या। यहाँ पे हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे है। मैं क्या लहर है समय भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह का, और यहाँ की जो एक चुनावी रणनीति रही भी 5 साल पहले, वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। यहाँ पे त्रंबक पाठक जी हैं, राजकिशोर सिंह जी हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि तमाम विरोध के बावजूद आज क्या स्थिति है? सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधाकर तिवारी है। सर जी, अभी जो चुनाव का लहर जो चल रहा है इस समय, और हमारे अखिलेश जी ने रखा है पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर रखी है, कन्या विद्याधन योजना की योजना कर रखा है, उस समय आप अपने कहाँ स्थापित कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ पैदा कर रही है? देखिए, अखिलेश यादव जी के बयान का कोई मतलब नहीं है, ना उनके संकल्प का कोई मतलब है। यहाँ का मतलब हमारे 5 साल में हमारी जनता अच्छी तरीके से देख चुकी है कि कथनी और करनी में क्या फ़र्क होता है। अखिलेश यादव जी ने इसके पहले भी बहुत सारे बयान दिए थे। हर लोगों का मान सम्मान 2-2 दिन पर आहत होता था, फर्जी मुकदमे बनाए जाते थे, ये चौकी नहीं थी, ये थाना नहीं थे, दलालों का अड्डा बना दिया गया था। तो जनता हमारी समझदार है। आज योगी जी ने जो हमारी जनता को सम्मान दिया है, उस सम्मान को हमारी जनता उनको वापस करेगी। आप किस विषय पर अपने को कह रहे हैं कि आज विधानसभा में जीत रहा हूं? नहीं, हमारे साथ सारी जनता है। सारी क्या क्या है आपके पास? हमारे पास खाद्यान्न योजना हमारी चल रही है, जो गरीब दलितों को महीने में 2-2 बार मुफ्त का राशन दे रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस सिलेंडर मिला हुआ है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनको मुफ्त का बिजली कनेक्शन मिला हुआ है। बिजली हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे तक आती है, और वही अखिलेश यादव की सरकार थी कि 3 जिलों को VIP बनाया गया था, बाकी 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रात में बिजली आती थी। तो जनता सारी बात समझ चुकी है और अपना मन भी बना चुकी है कि हम किसको वोट करेंगे। सर आप अपना परिचय दें। काउंसलर सर, ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया विकास की तो बात चल रही है, सड़कों का माया जाल अब बहुत बन का विकास सड़कें रहा, राशन भी दिया गया कोरोना पीरियड में, बहुत बड़ा आपकी पार्टी ने आपके सरकार ने सहयोग किया। सबसे बड़ी बात आ जा रही है कि शिक्षा की बात जब आ रही है, आज शिक्षा मित्र जो है 1,32,72,000 शिक्षा मित्र, जिनके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने 40,000 पेमेंट किया था, उनका प्रमोशन सहायक अध्यापक बनाया गया था, योगी सरकार आते ही उनको 10,000 रुपये दे दिया गया, और आज उनके तमाम सैकड़ों लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, लोगों ने आत्महत्या कर लिया, उसको लाश क्या बोलना चाहिए? जिसकी जैसी योग्यता उसको उसके महाराज जी की सरकार आई, सबका एक तरह टेस्ट किया गया, उसी शिक्षा में से जिस लायक थे उनको सहायक अध्यापक नियुक्ति हुई है, जो पास आउट नहीं कर पाए टीटी परीक्षा वो बाहर कर दिए गए, उनको 10,000 मानदेय पर रखा गया। अखिलेश सरकार ने बिना किसी कोई कंपटीशन कराए, कोई परीक्षा कराए, उन्होंने ऐसे ही चुनावी झूला बना करके शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया। जिस व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं था वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा, शिक्षा देगा? महाराज जी ने टीटी परीक्षा कराई, जो बच्चे जो क्वालिफाई किया वो आज अध्यापक है। सर 20 सालों से लगभग वो पढ़ाई शिक्षा में पढ़ा रहे हैं, उनकी लाइफ तो ऐसे खत्म हो गई है, आज उनके पास रिटायर होने का कगार पे हो गए हैं, ऐसे बहुत इसकी जवाबदेही तो अखिलेश यादव को देना चाहिए ना। आप बताइए, सेना में एक सिपाही भर्ती होती है, उसके 20 तरह टेस्ट लिए जाते हैं। हमारी शिक्षा ये रीढ़ है हमारे समाज की। हमारे बच्चे अगर अनपढ़ होंगे, अखिलेश यादव बच्चे विदेश पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो हम गरीब के बच्चे हैं वो ग्रामीण पढ़ते हैं, अगर अध्यापक
शिक्षित नहीं होगा, क्या शिक्षा देगा हमारे बच्चों को? सर जी और पूछेंगे आपसे, आप कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत रहे हैं, तमाम प्रकार के पौधे हो रहे हैं कि लोग अच्छे हमारे आगे विधायक ही है वो गाड़ी जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, बंद गाड़ी चले जाते हैं, बड़ा विरोध है, इस पर आप क्या क्या वो आपके पक्ष में आ रहे हैं? देखिए हम बता दें आपसे, ये तो केवल विरोधियों द्वारा कहा गया चीज़ें हैं, विधायक जी हर सुख दुख में सबके शरीक होते हैं। आज तक 70 साल में इतना विकास इस क्षेत्र का हुआ है, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे पौराणिक स्थल हो, चाहे सामाजिक, हर स्तर पर विकास हुआ है। विधायक जी किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराए हैं कि चौकी को चौकी इंचार्ज चला रहे हैं, जनता चला रही है, थाना चला रही है, किसी तरह कोई दबाव नहीं है। विधायक जी ऊपर जो आरोप लग रहा है शीशा बंद करके रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके दुख सुख में, सुख शादी में, विवाह में, सुख दुख में खड़े होते हैं। तो आज सर उन्होंने करोड़ों रुपया केवल अनुदान दिलाया है मुख्यमंत्री किसी उसे क्या कहते हैं स्वास्थ्य लाभ कराने के, किसी चीज के कैंसर से पीड़ित कोई था, असाध्य लोग जितने हुए थे, करोड़ रुपया उन्होंने लोगों को दिलाया लोगों को। तो क्या सर अगर समाजवादी पार्टी जो भी अपना योजना लाई है, तमाम चीज योजनाएं दे रही है, तमाम प्रकार का प्रलोभन दे रही है, तो क्या वो लाभ हो जाएगी? कितना दें आपसे, ये बहुत पहले भी वो बोले थे, उनका केवल जुमला है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो उनको केवल अपने जात विशेष का केवल काम करना है बस। मेरा आरोप भी है इस बस्ती जिले में आज 25 साल पहले के सुंदर सिंह के बाद एक सर्व समाज का दूसरे जम समाज का अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ? कि सुंदर सिंह के बाद कोई ब्राह्मण, कोई छत्री या किसी अदर कास्ट का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ? अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे रही बात आप किस पार्टी से हैं, क्या भाजपा पार्टी से हैं या आप किस? जो हमारा बीजेपी में भाई भर्ती होते मेरा नाम है सर, आज बताइए कि आज हम जो यहाँ पे चुनाव का लहर चल रहा है, लोग कहते हैं कि आपके प्रत्याशी विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं, राजकिशोर जी का क्या कोई वो नहीं रह गया, अस्त नहीं रह गया? समाजवादी पार्टी आज अपनी तमाम योजनाओं को लेकर चल रही है, तो क्या वो हार रहे हैं चुनाव? दोनों लोग बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। राजकिशोर सिंह के पास उनके दलाल हैं जो 15 साल लूटे खाए हैं, वही लोग उनको जिता रहे हैं। आम जनता विधायक जी के साथ है और विधायक जी को पुनः विधायक बना रही है। आपका क्या ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि विधायक जी ने आपके लिए अच्छा किया? व्यक्तिगत स्वार्थ से समाज में विधायक जी ने जो काम 5 वर्षों में विधायक जी ने बहुत काम किया, सड़कों का पूरा जाल विधायक जी ने बिछाया, जितने हमारी पौराणिक मंदिर धरोहर थी उसका विधायक जी ने जीर्णोद्धार कराया, विधायक जी ने तमाम विकास का कार्य किया। विधायक जी हमेशा 24 घंटा जनता के लिए सुबह हमेशा उपलब्ध रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सबसे बड़ा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, हर आदि सुख दुख में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत विजय श्री हो रही है, तमाम योजना विकास योजनाओं में उन्होंने आगे किया है, कानून व्यवस्था मजबूत रही है, और जहां तक हम समझ रहे हैं, भी हमने भाई साहब से मेरी बात हुई है कि यहां के जो विरोधी खेमे थे वो भी समाजवादी पार्टी से और बसपा से लोग यहाँ पे आ रहे, भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं, और निश्चित इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री होगी, सरकार योगी सरकार ही बनेगी। धन्यवाद।